नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूपीएससी पाठशाला में और स्वागत है आप लोग का मेरे नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा आपका 14 अप्रैल 2023 के लिए जो आपका दैनिक संपादकीय विश्लेषण, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और दोस्तों, एक चीज ये भी बता दूं कि आज का जो हमारा डिस्कशन है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि जो 14 अप्रैल है वो अंबेडकर जी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ना। तो उसी के ऊपर जो एक आर्टिकल आया हुआ है उसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और ये अपने आप में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए सीधे हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग, ओके एंड नमस्कार। तो चलिए सीधा सबसे पहले आप देखिएगा कि आज के द हिंदू के एडिटोरियल पेज के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स था, उसमें से एक आर्टिकल हमने सेलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कईयों बार इसके ऊपर डिस्कशन आप लोगों के साथ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद था आपका डिसिप्लिन कैंपेन, यू कैन से ना फाइनेंसिंग कर्नाटका, कि कर्नाटका में जो चुनाव होने वाले उसमें क्या क्या कैसे जो है आपके फाइनेंस किया जा रहा है, कैसे मिस यूज हो रहा है ब्लैक मनी का, ये सारी चीजें उसमें दिया हुआ। तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। देन है ये आर्टिकल कि द गोल ऑफ बिल्डिंग पॉपुलर दलित एजेंडा, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, तो हमें उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो आज का पहला ही आर्टिकल है उसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे, द गोल ऑफ अ बिल्डिंग अ पॉपुलर दलित एजेंडा। तो ये जो टॉपिक है वो जनरल स्टडीज के पेपर वन, ठीक है, सोसाइटी जनरल स्टडीज का पेपर टू, जो आपके इंडियन गवर्नमेंट जो आपका पॉलिसी, इन सब से रिलेटेड है। और सबसे पहली बात कि इस आर्टिकल को लिखने वाले कौन है, ये है आपके हरीश वानखेड़े, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज स्कूल ऑफ सोशल साइंस जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है, उनका ये विचार है। तो उनका ये विचार एक स्कॉलर होने के नाते बहुत ही अच्छा विचार, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग अगर चाहे तो बहुत सारी चीजों को इसमें एड ऑन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये लेख का जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट आपका है क्या। तो कॉन्टेक्स्ट की अगर आप बात करेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट है आपका कि 14 अप्रैल की अगर हम लोग बात करते हैं उसी को लेकर के। तो 14 अप्रैल जो है वो आपका क्या होता है, अंबेडकर जो हम लोग कहते हैं जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, अंबेडकर जयंती भी बोलते हैं, भीम जयंती भी बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेकर के ये डे जो है मनाया जाता है, क्योंकि इन्हीं का जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ था। कहां पे? 14 अप्रैल पे हुआ, 14 अप्रैल को हुआ था, ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि 14 अप्रैल को भी एक डे होता है बैसाखी डे, आप लोग को पता होगा, ठीक है। बिहू जो असम में जो है, बिहू अभी जो असम को जो है आपका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी मिला है कि एक साथ बहुत सारे कपल्स मिलकर के डांस परफॉर्म किए हैं, ठीक है, उसी को लेकर के। तो बहुत सारे डे जो है आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। तो इसी में एक डे जो है आपका अंबेडकर जयंती है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली बात तो यहाँ पे डिस्कस करने की जो कोशिश करेंगे हम लोग कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे है प्रश्न कि आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या था, उनका क्या विचार थे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें इस आर्टिकल के हाइलाइट्स को मैं बता दूं आपको। तो आधुनिक उदार विचार, अब प्लीज नहीं करिए ऐसे, हाँ। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आधुनिक उदार विचारों, पूंजीवादी विकास और लोकतांत्रिक मंथन ने यह संभव बना दिया है कि दलित अब एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सामाजिक और राजनीतिक ताकत हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में एक परिवर्तन संभव हुआ और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है और वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से आपके लिए भी इजी रहेगा, कुछ कुछ फैक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। तो
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा आपका 14 अप्रैल, मऊ में कहते हैं, 1891 ईस्वी को इनका हुआ था। इनका जो डेथ हुआ था 6 दिसंबर 1956 को इनका डेथ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर जो थे, इंडियन जुरिस्ट कह सकते हैं, इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं, सामाजिक सुधारक भी कहते हैं। और उन्हें जो वो साथ ही में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पता ही होगा, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति के वो क्या थे आपके जो चेयरमैन थे, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको जो बताऊं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आइडिया था वो बी आर अम्बेडकर जी ने कहते हैं कि प्रेजेंट किया था हिल्टन यंग कमीशन को। और ये मॉडर्न बुद्धिस्ट जो बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, उससे भी ये प्रभावित हुए और अपने जीवन के अंतिम काल में बुद्धिस्ट धर्म को अपनाए थे। लेकिन उनका जो अंतिम क्रिया होता है वो हिंदू धर्म के अनुसार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने दलितों के लिए जो आंदोलन किया, महिलाओं के लिए किया, मजदूरों के लिए किया, ठीक है, और अंबेडकर जी का क्या कहना होता था, अंबेडकर जी का कहना होता था लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, जो हमारे लाइफ जिंदगी हमें लंबा नहीं जीना चाहिए, हमें जितने दिन जीना चाहिए महान जीना चाहिए, ये अंबेडकर जी का विचार था। लाइफ लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, रेदर देन लॉन्ग, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी कहते थे कि आई लाइक द यू कैन से के रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कहते हैं मैं उस धर्म को पसंद करता था जो धर्म स्वतंत्रता को, समानता को, बंधुता को पढ़ाता हो, उसके बारे में बताता हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है इस आर्टिकल को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था मऊ में, मध्य प्रदेश में, और उन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा, याद रखिएगा कि उन्होंने क्या आपका बनाया था, बहिष्कृत, बहिष जो हम लोग कहते हैं कृत हितकरणी, हितकरणी सभा, बहिष्कृत हितकरणी सभा इन्होंने बनाया था। कब, 1923 में, 1923 में, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने महाड़ सत्याग्रह, इन्होंने जो है आपका महाड़ सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह भी किया था, और महाड़ सत्याग्रह को लेड भी किया था 1927 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, जो हिंदुइज्म की परंपरा जो थे, कस्टम जो थे, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। और ये एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था आपका ब्रिटिशर के द्वारा, उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या था, तो एक तो रिलीजन बताया, लाइफ के बारे में भी बताया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे इनके कंट्रीब्यूशन से हमें पता लग जाएगा, ये भारतीय संविधान के मेन आर्किटेक्ट थे। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते थे, संवैधानिक नैतिकता की बात करते थे, ये कहते थे एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रशासक के बीच में और लोगों के बीच में, ये सामाजिक सुधार की बात करते थे, तो ये अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करते थे 1923 में, इसीलिए इन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा भी बनाया था। ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी लॉन्च किए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1930 में, कराराम टेम्पल जो था नासिक महाराष्ट्र में वहां पर, और ये एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, और 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है उसको बनाया था। और 1900 अगर हम लोग बात करते 90 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया 1990 में, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो आप कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स देखेंगे बी आर अम्बेडकर जी का, तो उसमें आपका है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कि इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए भी, इंपोर्टेंट बुक्स का नाम अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि पहला है आपका मूक नायक, मूक क्वेश्चन आ सकता है, नायक मूक नायक 1920 में इन्होंने लिखा था वीकली, ठीक है, फिर दूसरा था आपका जनता, ये भी वीकली था 1930
30 में, ठीक है। फिर जो था आपका तीसरा, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में, द अनटचेबल, ओके, द अनटचेबल, ये द अनटचेबल उन्होंने 1948 में लिखा था। और पांचवा, बुद्धा और काल मार्क्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 में, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं आपके बी आर अम्बेडकर जी के, आपको भी इनके बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आप लोग को बताया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे लिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स हो जाएगा, कि दलितों के द्वारा वर्तमान में कौन से मुद्दे को फेस किया जा रहा है, कौन से करंट इशू जो है वो दलितों के द्वारा आपका फेस किया जा रहा है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। कि अगर आप देखिएगा, कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार जो है नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को अपनाने में आक्रामक रही है, बहुत तेज गति से अपना रही है, जो अक्सर ऐतिहासिक रूप से हादसे पर रहने वाले समुदायों की मुक्ति के लिए सामाजिक न्याय सुरक्षा उपायों को कमजोर करती है। दूसरा, कि कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, दलितों को साइड कर दिया जा सकता है, कमजोर लोगों को साइड कर दिया जा सकता है, ये है एक। दूसरा है वैचारिक एजेंडा, कि अगर आप देखेंगे वैचारिक एजेंडा स्वतंत्र दलित दावों को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति के लिए एक चुनौती मानता है, दलितों को उसे क्या कहते हैं कि वोट बैंक के रूप में जाना जा या जो पार्टी ट्रीट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद राजनीतिक आंदोलन के खिलाफ खतरों और निगरानी पर जोर दिया गया है, जो आज इसे एक निष्क्रिय शक्तिहीन स्थान बना रहा है, क्योंकि आप देखो कि दलितों के लिए बात करने वाले कितने सारे लोग हैं, कितने सारे, कुछ लोग हैं सेलेक्टेड। पहले मायावती जी को बोला जाता था, उससे पहले कांशीराम जी को बोला जाता था, अब जो है एक भीम आर्मी जो है उनका चंद्रशेखर शायद नाम है, उनको बोला जा रहा है। तो कहने का मतलब कि दलितों के लिए बात करने वाले लोग, उनके बातों को रखने वाले लोग, उनके लिए आंदोलन करने वाले लोगों को भारी कमी है। तो ये अपने आप एक इश्यूज हो गया। अब यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि बी आर अम्बेडकर जी का क्या विचार था सामाजिक न्याय को लेकर के, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक। सबसे पहले कि वो कहते थे कि गुड कॉन्स्टिट्यूशनल इवनिंग। प्रिंसिपल, या वेरी गुड मॉर्निंग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, जैसे आर्टिकल 17 क्यों रखा गया, अंबेडकर जी का उसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। वो कहते थे कि जो अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, दलितों के कल्याण के लिए संविधान में प्रावधान होने चाहिए, और वह जो आपके वरिष्ठ या एलीट जो लीडरशिप हुआ करते थे, उनको भी बोलते थे कि आप बचिए इन चीजों से, कि दलितों के शोषण से। साथ ही में वह इन्होंने लेजिस्लेटिव बॉडी में भी बोला था कि आपका क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए दलित रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर अंबेडकर जी का विचार ये था कि जो गैर राजनीतिक जो जगह है, जैसे कि शिक्षा, मीडिया, कल्चर, आर्ट, इंडस्ट्रीज, इन सब में भी क्या होना चाहिए कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दलितों को इफेक्टिव रोल प्ले करने देना चाहिए। देन उसके बाद जो स्टेट को उन्होंने बोला कि आपको इफेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, लोगों को कहते हैं सेंसिटिव बनाने की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई क्राइम करता है, दलितों को शोषित करता है, ठीक है, तो उनको आपको पनिश करना चाहिए। अंबेडकर जो है, आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमें सिर्फ आधुनिकता जो है इसलिए नहीं अपनाना चाहिए कि हमारा जीवन बेहतर होगा। अंबेडकर जी का कहना था कि आधुनिकता को अपना करके आप छुआछूत को भी समाप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छुआछूत को भी समाप्त कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी कहे कि दलितों को अपने कहते हैं ना सामाजिक जो भार है, उनको लगता है कि हमें समाज से साइड कर दिया गया है, या बहुत सारे लोग उनके साथ ऐसे ट्रीट भी करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाओ, ठीक। तो ये बी आर अम्बेडकर जी के विचार थे, ये बी आर अम्बेडकर जी के विचार थे, ये भी हम लोग कह सकते हैं।
तो बी आर अम्बेडकर जी के बाद दलितों के जो अगर बात करते हैं ना कि बातों को रखने के लिए या कल्याण के लिए और भी बहुत सारे काम हुआ, जैसे जो जो भी काम हुआ वो आपका अम्बेडकर जी से इन्फ्लुएंस था, ठीक है। दलित का इंटरवेंशन जो है वो पब्लिक स्पेयर में भी बढ़ा, जैसे कि वो सामाजिक प्रतिष्ठा की मांग करने लगे, अपने अधिकारों के इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की बात करने लगे, राजनीतिक शक्ति की बात करने लगे। जब 1980 में बहुजन समाजवादी पार्टी आया तो कुछ हद तक ये दलित समकालीन भारत में दलित दावे की गतिशीलता क्या, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि होता क्या है कि जब समाजवादी पार्टी 1980 में आती है तो कुछ हद तक जो दलितों को सपोर्ट मिलता है वह सोशल और कल्चरल फ्रंट पे भी आते हैं, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये भी कहते हैं कि दलितों के द्वारा जो आपका बहुत सारे जो प्रोग्राम आयोजित किया जाने लगता है, बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाने लगता है, वो उनके जो आइकॉन्स है उनको जो है सम्मान दिया जाने लगता है। यानी कि 1980 के बाद एक चीज ये दिखाई देता है कि दलितों का पब्लिक स्पीयर में कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ता है, दलितों ने भी खुद को जो है आपका लोकतांत्रिक ढांचे में रखा और अपने आंदोलन को किए, ठीक है, अपने लिए बातों को किए। उसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि जब 1980 के बाद होता है क्या, मार्जिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, दलितों को वोट बैंक के रूप में समझा जाने लगता है। जैसे मायावती की बात कर लीजिए या भी चंद्रशेखर की बात कर लीजिए, या जो आपके यूपी में तो बहुत सारे आपके लीडर्स भी हैं, ठीक है, या बिहार में नीतीश कुमार को कहा जाने लगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि एक आपका हाँ कि दलितों का महत्व जरूर बढ़ा, ठीक है, लेकिन जैसे ही बीएसपी का डिक्लाइन होने लगता है उत्तर प्रदेश में तो एक चीज ये भी देखा जाने लगता है कि दलितों का जो आप कहते हो ना एक बातों को रखने का जो रखने वाला जो लीडर था वैसा अब नहीं रहा है, अभी अगर वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। अच्छा, अंबेडकर जी के कुछ विचारों को या उनके जो इंपोर्टेंट काम है आपको ध्यान में रखना चाहिए। उनका साइमन कमीशन के साथ एसोसिएशन था, वह डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट किए थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, शुरू में भी बताया था। वह लेबर मेंबर्स थे वाइस राय काउंसिल का 1942 से 1946 के बीच, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन भी थे। ओके, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है दलितों को लेकर, क्या क्या स्कीम्स है। तो जो अभी भारत में जो गवर्नेंस सिस्टम है दलितों को लेकर के, वो अंबेडकर के विजन से प्रेरित है, जिसमें अगर आप देखोगे 5 तीर्थ का डेवलपमेंट किया गया है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के स्थापित करने की बात हो रही है, उसके साथ ही प्रो पीपल पीपल सेंट्रिक पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास स्कीम, भीम ऐप की बात कर लीजिए, मुद्रा योजना की बात कर लीजिए, या जनधन आधार मोबाइल का यूज करके जो सब्सिडी दिया जा रहा है, ये सभी को भी दिया जा रहा है। तो इसीलिए देखते हैं कि जो आपका गवर्नमेंट भी जो है वो प्रो पुअर या प्रो दलित जो है वो काम आपका कर रही है। इसके बाद अम्बेडकर जी का जो विजन है अगर आप देखेंगे और उनका जो रिलीवेंस है प्रेजेंट टाइम में तो क्या हो सकता है, जैसे कि उन्होंने 1928 में कहा था कि पॉलिटिक्स इन इंडिया इज नथिंग बट थियोलॉजी इन एक्शन, ठीक है। तो उन्होंने या रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें जिसमें यह भी बोला गया हेट स्पीच को लेकर के, हेट स्पीच के खिलाफ बी आर अम्बेडकर जी भी थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में वार्निंग भी दिया था कि आपके लीडर का जो स्टेटमेंट्स होते हैं उससे क्या हो सकता है कि अल्पसंख्यकों को नुकसान हो सकता है। तो अंबेडकर जी के जो विचार थे वो अभी भी रिलेवेंस हैं, ठीक है, अगर हम लोग देखे तो। फिर अंबेडकर जी का जो रोल था आपका दलित महिलाओं के कल्याण के लिए वो भी हमें ध्यान में रखना है, दलित के सामने क्या चुनौती है वास्तविकता, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं अंबेडकर जी का जो रोल था दलित महिलाओं को कल्याण करने के लिए, तो उन्होंने बेबी कामले जो है आपका जिन अमुसे कहते हैं उन्होंने ये आपका दिया था, जो कि बुद्धा का मैसेज भी था, ठीक, उसमें नहीं जा रहा, यानी कि ये महिलाओं के कल्याण के लिए भी काम किए, ये कि मैन एंड वुमेन आर पार्टनर इन मैरिज, वो कहते थे बी आर अम्बेडकर जी की महिलाएं और पुरुष दोनों शादी में बराबर है, ट्रीट योर हस्बैंड विथ इक्वालिटी, आप अपने हस्बैंड को एक समानता के साथ ट्रीट करिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है, वी आर क्लीन क्लोथ, वो कहते थे साफ कपड़े पहने। तो ये अंबेडकर जी को, अंबेडकर जी किसे कहते थे, महिलाओं से, ठीक है।
और उनका इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी रहा था पॉलिसी मेकर को लेकर के, संविधान का पूरा मेन आर्किटेक्ट उन्हीं को, हिंदू कोड बिल भी वही लाए थे जो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात आ रही है, ठीक है, और इसी की वजह से उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। तो लास्ट में वे ऑफ फॉरवर्ड हमारा क्या बनेगा कि अगर हम देखते हैं कि यस के अंबेडकर जी का जो विचार था कि दलित रिप्रेजेंटेशन के लिए अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण होना चाहिए, तो आरक्षण तो अभी सरकार दे रही है, और बस आरक्षण के स्वरूप को चेंज करके जो वास्तविकता में आरक्षण के हकदार हैं उन्हीं को आरक्षण देना चाहिए। जो आपके अंबेडकर जी के बाद दलित का जो मूवमेंट 1980 में ऑलमोस्ट जो स्टार्ट हुआ था, उसको फिर से दलितों के बातों को रखने के लिए ऐसे नेताओं की जरूरत है जो उनकी मांगों को मनवा सके और उनके कल्याण के लिए काम कर सके। हमें जो आधुनिक संस्थानों का, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, कल्चर इंडस्ट्रीज हो, इन सभी पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद लोगों के जो प्रतिनिधित्व, लोगों का प्रतिनिधित्व मतलब क्या, दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए भी सरकार को काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग को ये आर्टिकल पूरे समझ में आया होगा।